हाय एवरीवन, आज की क्लास में हम जीओसी एंड आइसोमेरिज्म का 2015 एंड 16 सीएसआर नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। पहला क्वेश्चन, द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, ठीक है, मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन हमें पता है, यहाँ दिया चेयर, दिस इज चेयर कन्फर्मेशन, दिस इज ऑल्सो चेयर कन्फर्मेशन, दिस इज ट्विस्टेड बोट, दिस इज हाफ चेयर, ठीक है। हमें पता है चेयर कन्फर्मेशन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, सो ए ऑप्शन सी एंड डी तो नहीं होगा, ए एंड बी में कोई एक आंसर होगा। देखते हैं इसको, अगर हम ड्रॉ करेंगे साइक्लोहेक्सेन के फॉर्म में, ठीक है, वन टू देते हैं, वन टू, वन पे डबल बॉन्ड, एक मिथाइल अबव द प्लेन, दूसरा मिथाइल बिलो द प्लेन, एंड यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ मिथाइल, ठीक है। इसको हम एक बार मिथाइल को हम एक्सियल में रखते हैं, एक बार इक्वेटोरियल में रखते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन, ये रहा मिथाइल, इन दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल दिखते हैं? इन दोनों में से यहाँ ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ अगर वन टू थ्री नाम देते हैं, वन थ्री अलाइलिक स्ट्रेन यहाँ नहीं हो रहा है, बट यहाँ क्या हो रहा है, वन टू थ्री, यहाँ वन थ्री अलाइलिक स्ट्रेन हो रहा है, इसीलिए ये अनस्टेबल होगा, ये ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ये स्ट्रेन फ्री है, स्ट्रेन फ्री, यहाँ वन थ्री अलाइलिक स्ट्रेन नहीं है, ठीक है, यहाँ वन थ्री अलाइलिक स्ट्रेन है, इसीलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग कंपाउंड, ये दोनों कंपाउंड क्या, एलिन कंपाउंड है, ठीक है, एनेंसियमर, डायस्टेरियोमर, होमोमर, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, ठीक है। इसका आर एस निकाल के देखते हैं, सॉरी को नाम देते हैं वन, मतलब ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ठीक है, वन लो टू, ये क्या होता है, ये क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इन लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द लाइन, सो क्या होगा, सॉरी ये एंटी क्लॉकवाइज एंड लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द ग्रुप, सो कॉन्फिगुरेशन इज एस। सिमिलरली यहाँ देखते हैं, ये वन, ये टू, क्लोरीन थ्री, ये फोर, एक क्लॉक वाइज एंड लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप यहाँ एबव द प्लेन है, सो क्लॉक वाइज क्या देगा, एस, दोनों ही एस कॉन्फिगुरेशन, सो दोनों ही आइडेंटिकल, होमोमर और आइडेंटिकल। नेक्स्ट देखते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड ही, हमें पता है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ठीक है, और स्टेबिलिटी पता है जिसका ज़्यादा, जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है वो उतना ज़्यादा स्टेबल, सो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। देखते हैं यहाँ कितना अल्फा हाइड्रोजन, थ्री थ्री थ्री, टोटल नाइन अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ थ्री, यहाँ टू, टोटल फाइव है अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ थ्री टू, यहाँ भी टोटल फाइव है अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ कितना, यहाँ टोटल टू अल्फा हाइड्रोजन, सो सबसे ज़्यादा स्टेबल आई भी होगा, सबसे लीस्ट स्टेबल आई होगा। नाउ टू आई एंड थर्ड आई दोनों का अल्फा हाइड्रोजन सेम है, लेकिन एक ट्रांस में है, एक सिस में है, ये सिस पर में है, ये ट्रांस पर में है, हमें क्या पता है ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होता है सीस से, सो क्या होगा, टू आई देन थर्ड आई, ये होगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। हमें क्या निकालना है, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का ऑर्डर, तो इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, सो क्या होगा, आई का हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन सबसे ज़्यादा होगा, देन थर्ड आई,
देन सेकेंड आई, देन आई वी, देखते हैं आई, थर्ड आई, सेकेंड आई, आई, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द हाइड्रोकार्बन एमंग द फॉलोइंग हैव कन्फर्मेशनली लॉक्ड चेयर बोट चेयर फॉर्म। सो पहले ड्रॉ करते हैं कन्फर्मेशनली लॉक्ड चेयर बोट चेयर फॉर्म। ड्रॉ करते हैं ये क्या हो गया चेयर फॉर, ठीक है। यहाँ क्या रहेगा ऊपर हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ ऊपर हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है। ये हो गया कन्फर्मेशन लॉक चेयर बोट चेयर फॉर्म, चेयर चेयर बोट चेयर फॉर्म। इसको अगर हम लिखेंगे सही से कैसा रहेगा, ठीक है, यहाँ एक एबव हाइड्रोजन एक बिलो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एबव हाइड्रोजन बिलो, यहाँ क्या एक हाइड्रोजन बिलो एक हाइड्रोजन एबव, देखते हैं ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कन्फर्मेशन एक्स एंड वाई ऑफ टू ब्यूटानॉन, ठीक है। देखते हैं पहले इसको सही से ले, इसको हम न्यूमन प्रोजेक्शन में देखते हैं, CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन अगेन, ऑक्सीजन ये CH3, ठीक है, हम हाइड्रोजन लिख सकते हैं। ये क्या हो गया ये एक्स हो गया, वाई किसे मिला ले लगते हैं, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH3 डबल बॉन्ड हुआ CH3H। सो इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, यहाँ दो मिथाइल ग्रुप एंगल 60 डिग्री, बट यहाँ क्या है यहाँ दो मिथाइल ग्रुप एंगल 180 डिग्री एंटी पोजिशन में है। सो एक्स इज मोर स्टेबल देन वाई, एक्स इज मोर स्टेबल देन वाई, ऑप्शन ए इज ऑप्शन ए करेक्ट है, वाई इज मोर स्टेबल, नो मिथाइल ग्रुप इन एक्स आर एंटी, मिथाइल ग्रुप इन एक्स आर एंटी, ठीक है, मिथाइल ग्रुप इन वाई आर गोची, ठीक है, गोची 60 डिग्री होता है, ठीक है, ये गोची कन्फर्मेशन है, यहाँ एंटी में है, ठीक है। सो ऑप्शन ए सी डी, ए सी डी डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ देखते हैं द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पीके वैल्यू फॉर द कंपाउंड एक्स वाई जेड इज। जिसका पीके वैल्यू ज़्यादा होगा उसका क्या, पीके वैल्यू ज़्यादा होगा तो एसिडिटी लेस होगा, पहले देखते हैं एसिडिटी, यहाँ जब एसिडिटी मतलब हाइड्रोजन आयन रिमूव कर देते हैं, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ रिमूव कर दे, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ रिमूव कर, अगर करेंगे तो यहाँ क्या आएगा नेगेटिव चार्ज। सो ये क्या हो रहा है, ये एरोमेटिक हो रहा है, मतलब अनायन एरोमेटिक हो रहा है, ये भी एरोमेटिक हो रहा है, ठीक है, ये तो एरोमेटिक नहीं हो रहा है। सो एरोमेटिक हो रहा है मतलब ये अनायन ज़्यादा स्टेबल, सो ये ज़्यादा एसिडिक, सो वाई ज़्यादा एसिडिक, ठीक है, वाई एंड जेड ज़्यादा एसिडिक देन एक्स, एक्स लीस्ट एसिडिक। अगेन वाई एंड जेड में एनोलेशन इफेक्ट
के चलते इसका एसिडिटी वाई से कम होता है, इसलिए जेड देन वाई। ये हो गया एसिडिटी का ऑर्डर। हमें क्या निकालना, पीके वैल्यू। सो जिसका ज़्यादा पीके वैल्यू वो लेस एसिडिक, सो वो इसको दोबारा करते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पीके वैल्यू ऑफ कंपाउंड एक्स वाई जेड इज, हमें क्या पता है जिसका जितना ज़्यादा पीके वैल्यू वो उतना लेस एसिडिक, ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर लेस होगा। यहाँ देखते हैं पहले एसिडिक कैरेक्टर, यहाँ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के नेगेटिव होगा, यहाँ हाइड्रोजन रिमूवल के बाद नेगेटिव यहाँ होगा, यहाँ हाइड्रोजन रिमूवल के बाद यहाँ नेगेटिव होगा। सो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो हो रहा है, ये एरोमेटिक हो रहा है, ये एरोमेटिक हो रहा है, ये भी एरोमेटिक हो रहा है, बट यहाँ एनोलेशन इफेक्ट लग रहा है, इसीलिए ये लीस्ट एसिडिक होगा। जेड लीस्ट एसिडिक होगा, देन एक्स, देन वाई। ये हो गया एसिडिक एसिडिटी का ऑर्डर, ठीक है। सो इसका रिवर्स होगा पीके वैल्यू का ऑर्डर। सो जेड का सबसे ज़्यादा, देन एक्स, देन वाई। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ द इंडिकेटेड सी एच बॉन्ड इन द फॉलोइंग कंपाउंड इच, यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है, देखते हैं यहाँ क्या हुआ। sp2, यहाँ sp3, यहाँ sp, हमें क्या पता है हायर द s कैरेक्टर स्ट्रोंगर द बॉन्ड, ठीक है, स्ट्रोंगर द बॉन्ड। सो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा, जो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। सो यहाँ देखते हैं, यहाँ एस कैरेक्टर एस पी के एक्स कैरेक्टर कितना होता है, 50%, या कितना होता है, 25%, या 33%। सो सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए, ऑप्शन ए इज द। नेक्स्ट देखते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इच, हमें क्या पता है साइक्लिक बीटा कीटोन इच मोर एसिडिक देन ओपन चेन कीटोन, ठीक है, एंड अगेन क्या पता है एसिडिटी इंक्रीजेस, एसिडिटी इंक्रीजेस एच रिंग साइज डिक्रीजेस फॉर साइक्लिक बीटा कीटोन, ठीक है। सो यहाँ क्या होगा, सी तो लीस्ट एसिडिक होगा, ये 6 मेमोरी रिंग, ये 5 मेमोरी रिंग, सो ए देन बी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इच, होमोटोपिक, डायस्टेरियोटोपिक, एनेंसिस्टोपिक, कॉन्स्टिट्यूशनली हेटेरियोटोपिक, सॉरी यहाँ मिथाइल ग्रुप, सर ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ क्या होगा, मिथाइल ग्रुप इन द फॉलोइंग कंपाउंड आर, ठीक है, ये जो मिथाइल ग्रुप है ये क्या है, होमोट्रोपिक, डायस्टेरियोट्रोपिक, एनेंसोट्रोपिक और कॉन्स्टिट्यूशनल हेटेरोट्रोपिक, ठीक है, देखते हैं यहाँ क्या होगा। यहाँ अगर लाइन पास करोगे सी टू एक्सिस ऑफ सिमे, सी टू एक्सिस पास करोगे तो ये क्या होगा, सी टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ऊपर भाग और नीचे दोनों सेम है, सो यहाँ सी टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सी टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है मतलब दोनों मिथाइल क्या है, होमोटोपिक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एमंग द स्ट्रक्चर गिवेन बिलो द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इच, देखते हैं, पहला ऑप्शन है दोनों एबव द प्लेन है, ठीक है, यहाँ एबव है, ठीक है, यहाँ भी दोनों एबव है, ठीक है,
यहाँ तीनों बिलो है, नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, ए एंड सी में देखते हैं यहाँ क्या होगा। यहाँ 1,3-diaxial इंटरेक्शन होगा, बट यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ 1,3-diaxial इंटरेक्शन नहीं होगा सी में, सो ऑप्शन सी ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ये लीस्ट स्टेबल होगा बिकॉज ऑफ 1,3-diaxial इंटरेक्शन, ठीक है, ये दोनों को बीच में। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, द करेक्ट मैच फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इन कॉलम ए विद द प्रोडक्ट इन द कॉलम बी इच, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ टू के देखें तो ये नेगेटिव डबल बॉन्ड हट जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 2, 4, 6, 2, 2, 10 π इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ क्या एच टू एच ऊपर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड निकल जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 6 π इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है। सो ये 10 π इलेक्ट्रॉन, सो ये तो एरोमेटिक सिस्टम हो गया, ठीक है, ये 6 π इलेक्ट्रॉन हो रहा है, बट यहाँ ये क्या हो रहा है, ये sp3, सारे कार्बन sp2 होना चाहिए, ये sp3, एक कार्बन sp3 हो रहा है, बाकी सारे कार्बन sp2 हो रहा है, सो ये क्या होगा, होमो एरोमेटिक, होमो एरोमेटिक, ठीक है। यहाँ हीट दे रहे हैं, हीट दे रहे तो इसको ये क्या होगा, ये 8 मेंबर रिंग हो रहा है, 8 π इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हमें क्या पता है, ग्रेटर देन 6 मेंबर रिंग जो भी एंटी एरोमेटिक होता है वो नॉन एरोमेटिक को ट्रांसफर हो जाता है ड्यू टू स्टेबिलिटी, ठीक है, सो ये क्या होगा, ये नॉन एरोमेटिक होगा क्योंकि एंटी एरोमेटिक लीस्ट स्टेबल होता है, ये यहाँ रोटेट हो सकता है, रोटेट करके ये नॉन एरोमेटिक हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ टू के लगा, ये हट जाएगा, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये एंटी एरोमेटिक हो गया, ठीक है। सो आई क्या हुआ, आई एरोमेटिक, टू आई होमो एरोमेटिक, थर्ड आई नॉन एरोमेटिक, आई भी एंटी एरोमेटिक।